दोस्तों नमस्कार, आज जो टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ उस टॉपिक का नाम है हुज रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइम। जी हाँ दोस्तों, डिटेल से आपको बताने जा रहा हूँ क्योंकि यह टॉपिक लाना आज के समय में ये समाज को लिए बहुत जरूरी हो गया था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक युवा यंगेस्ट भटक रहा है इधर उधर बहुत ज्यादा, आज के समय में उनका संगत एक अपराध की दुनिया में हो रहा है, तो उससे बचने के लिए एक युवा यंगेस्ट के लिए यह वीडियो यह टॉपिक लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, चलिए टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आखिर एक आम आदमी को, एक आम पब्लिक को अपराधी बनने में मजबूर कौन कर रहा है। इसका सबसे पहला पॉइंट है कि आपने बहुत ऐसे सारे हॉस्पिटल्स देखे होंगे, मैं सारी हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे हॉस्पिटल वाले होते हैं, यानी मार्केट में अभी भी 10-20% ऐसे हॉस्पिटल वाले हैं जो गरीबों को लूटते हैं एक धंधा, एक बिजनेस बना करके। जी हाँ दोस्तों, एक आम आदमी जो गरीब लोग है, एक जो थोड़ा बहुत कमा करके अपना रोजी रोटी, अपना घर का जो समय निर्वाह कर रहा है आज के समय में, और उसको रोग लग जाता है छोटा मोटा, उसको बड़ा रोग बता करके या फिर उसको बढ़ा चढ़ा करके ऐसा मतलब कि समझाना कि कुछ ऐसे लोग हैं आज के हमारे समाज में जो बहुत भोले वाले हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझते नहीं है इस चीज को, और कुछ ऐसे हॉस्पिटल वाले हैं, कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो उन गरीबों को शोषण करते हैं, लूटते हैं। और इसी एवज में क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ वह देखते हैं कि काफी हमारे घर में माता इसके वजह से डेथ कर गया, इलाज नहीं हुआ, या फिर बहुत ऐसे उनके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो इस टॉपिक को देखते हैं, तो वह मेहनत करने के न बजाय वह अपराध के दुनिया में आ जाते हैं कि वह डॉक्टर, वह हॉस्पिटल वाले हमारे साथ ऐसा किया था तो उससे मुझे बदला लेना है, तो अधिकतर इस तरह से देखा गया। दूसरा चीज है कि आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे समाज में लोग है, गांव समाज में ऐसा आप लोगों को देखे होंगे कि जो ब्याज पे पैसा लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000 रुपया लोग गरीब लोगों को देते हैं जब उनको काफी मजबूरी होती है तो। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जब उनसे रिटर्निंग का जो समय होता है तो उस समय वो इतना ना इंटरेस्ट का पैसा ऐड कर देते हैं, सालाना हो या मंथली हो, जो ब्याज उनका होता है वो बैंकों से काफी ज्यादा होता है। और एक आम पब्लिक, एक गरीब आदमी जो अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, दाल रोटी चला रहा है अपने परिवार के लिए, तो उसको कभी कभी जमीन बेचना पड़ता है थोड़े से पैसे को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, तो उनके घर में जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर वो खुद, जी हाँ दोस्तों, ऐसे ऐसे चीज को मैंने देखा है, बारीकी से समझा है, तो यह टॉपिक आपके लिए और इस टॉपिक में यह जो पॉइंट है आपके लिए लेके आया हूं। तो इस तरह के जो लोग हैं अपराधों के दुनिया में आ जाते हैं, क्योंकि जब उनकी परिवार नहीं चलता है और कुछ ऐसे सामने वाले होते हैं जो उनके साथ जबरदस्ती करते हैं, एक पैसा को 10 पैसा बना करके, यानी सीधे से बोले तो छोटा मोटा अमाउंट को बड़ा अमाउंट में कन्वर्ट करके उससे पैसा उनको मतलब कि बेइज्जती करके, उनको काफी मजबूर करके उनसे पैसा लेना, तो उनके घर में जो छोटे बच्चे हैं या फिर महिलाएं हैं या फिर खुद वो, तो आगे चल करके देखते हैं कि अब हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, तो कैसे ऐसे में कुछ ऐसे लोग, मैं सारे लोगों को नहीं बता रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो अपराधों की दुनिया में आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तीसरा पॉइंट है जो आपको बताने जा रहा हूं कि कुछ ऐसे सुनार लोग होते हैं, मैं सारे सुनारों की बात नहीं कर रहा हूं और मैं कोई जाति बात विशेष नहीं कर रहा हूं, जो लोग इस धंधे में, यानी सोने के चांदी के धंधे में है, तो वह डुप्लीकेशन के बिजनेस करने लगते हैं, और उनके यहाँ से जो गरीब पब्लिक है, जो आम पब्लिक है, शादी ब्याह के समय में, अपनी बिटिया के शादी के समय में, अपना लड़का के शादी के समय में, जब उनके यहाँ से सोना चांदी खरीदता है, तो कभी कभी आम पब्लिक भोलापन होता है, वो क्या सोचता है कि 1 लाख रुपया दे करके 1.5 लाख का 2 लाख का वहां से सोना चांदी परचेस करेंगे, लेकिन कभी काल इस तरह का नहीं होता है, उनके साथ धोखा हो जाता है, वह 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया देते हैं और 10-20-50 हजार रुपया उधार के चक्कर में वह घर में डुप्लीकेट सोना लेके आ जाते हैं। और कभी कभी ऐसे आम पब्लिक को मैंने देखा है कि वो दूसरे जगह वो चेक भी नहीं करवाएंगे, क्योंकि दूसरा आदमी जान जाएगा कि हमने इतना सोना परचेस किया है, चांदी परचेस किया है, वो घर में चुपचाप वो रखे रहेंगे, और जो उधार लेके आए हैं साल 2 साल में उसको भी वो पैसा दे देते हैं,
और 2-3-4 साल के बाद पता चलता है कि जो घर में सोना खरीद करके लाए थे वह डुप्लीकेट हो गया, तब तक उनका गार्जियन न जाने अनजाने में कभी कभी डेथ कर जाते हैं, या फिर कभी कभी उन लोगों को मजबूरी होता है तो वो सोना चांदी बेचने के लिए जाते हैं, तो उनको पता चलता है कि यह डुप्लीकेट आपने परचेस किया है जिस समय परचेस किया है। और गांव के लोग कुछ ऐसे भोले भाले भी होते हैं जो पर्ची भी संभाल के नहीं रखते हैं, यानी जो सोना चांदी खरीदते हैं तो उसका कुछ पुर्जा भी नहीं रहता है, और रहता भी है तो वो खो जाता है क्योंकि गांव घर में उतना लोग इस चीज पर ध्यान नहीं देता है। और आगे चल करके उसी दुकान में लोग अगर जाता है रिटर्निंग करने के लिए कि आपके यहाँ से सोना लिया गया था 4 साल पहले 5 साल पहले 7 साल पहले, तो वह जो दुकान वाले होते हैं वह आम पब्लिक के साथ भोलेपन, जो भोले लोग होते हैं उनके साथ दिमागी खेल खेलते हैं, माइंडियल गेम खेलते हैं और बोलते हैं कि यह हमारे यहाँ का आपका खरीदा हुआ नहीं है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं वह ठीक जानते हैं कि हमारा यहाँ का लिया हुआ है तो रिटर्निंग कर लेते हैं, लेकिन इसमें देखिए इसमें भी गेम हो जाता है क्योंकि 20,000-30,000 का जो सामान है वह 2 लाख में बेचा, 6-7-8 साल एक गरीब फैमिली के यहाँ रहा और वह 2 लाख रुपया इसको दिया, तब तक यह 2 लाख से न जाने कितना लाख कमाता है 7-8 साल में, और रिटर्निंग के लिए आएगा तो ज्यादा से ज्यादा उसमें बट्टा काट लेगा, बहुत तरह का इस तरह का मतलब कि खेल होता है एक आम पब्लिक के साथ, एक गरीब परिवार के साथ। जी हाँ दोस्तों, और कभी कभी ऐसे लोग होते हैं कि इस चीज की काफी यातनाएं झेलते हैं, काफी मजबूर हो जाते हैं और वहां से भी अपराधी बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफी उनके घर में कोई लड़की हो या लड़का हो या खुद वो हो, तो कुछ समय के बाद जब उनको पता चलता है कि हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है या 2-4 लाख के चक्कर में, जी हाँ दोस्तों, एक गरीब फैमिली के लिए 2-4 लाख 1 लाख रुपया भी काफी होता है जीवन निर्वाह करने के लिए आज के समय में। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो बन रहा है 2024 में, आज के समय में भी 2-1 लाख रुपया के चलते लोग गुनाह के रास्तों में आ जाते हैं और एक गुनाहगार बन बैठते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मैं यह वीडियो इसलिए आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि सबको आंख खुले इस चीज पे, और आप लोगों के घर में इस तरह का कुछ हुआ है तो इस चीज से बचे, क्योंकि थोड़ा सा आप कष्ट झेल लेंगे, थोड़ा सा मजबूरी झेल लेंगे तो आगे चल करके आप मेहनती बनेंगे, एक समाज से एक नया ठेस आपको लगा है। जी हाँ दोस्तों, एक जगह मैंने लिखा हुआ देखा था कि बेदाम खाने से अकल नहीं, ठेस खाने से अकल होता है, तो एक तरह से एक आम पब्लिक को ठेस ही मिलता है तो आगे चल के आपको मतलब कि एक एक्सपीरियंस मिलता है। सबसे मेन पॉइंट है कि कभी कभी एक आम पब्लिक को, एक गरीब आदमी को, एक उनके जो पटदार वाले होते हैं, आजू बाजू वाले लोग होते हैं, वो काफी दबाते हैं, जिनके घर में आदमी की कमी होगा, जिसका पिता प्रदेश कमाता होगा, जिसके घर में औरत कमजोर होगी, लड़ने मतलब कि जो कमजोर होगा, तो वहां भी काफी उनको यातनाएं झेलना पड़ता है मजबूरी में, तो कभी कभी उनके साथ ऐसा अपराध हो जाता है कि उनके घर से बाल बच्चा अपराध के कदम में रख देते हैं, लेकिन कभी कभी वहां भी ऐसा होता है कि वो भी उसी चीज को आगे चल करके वो अपना बेस बनाते हैं और अच्छे आते हैं। और उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि लड़की की मामला में, यानी मोहब्बत प्यार मोहब्बत के मामला में भी कभी कभी अपराध के कदम में आ जाते हैं लोग। जी हाँ दोस्तों, मैं यह वीडियो इसके लिए लेके आया हूँ कि एक यंगेस्ट तक यह वीडियो जाए, पहुंचे और इस चीज को समझे, एक आम जनता इस चीज को समझे, और इस वीडियो को आप एक दूसरे को शेयर कीजिए, क्योंकि यह वीडियो आज के समय में हो सकता है कि एक भी अपराध रुकने का काम हो जाए तो यह वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा।